हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि किन किन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यहां दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कौन कौन मेरे वीडियोज़ को देखता है, कैसे पता लगाएंगे। चलिए इस वीडियो में हम सीख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम चले जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर जाके आपको नया टैब ले लेना है। नया टैब लेके आपको यहाँ पर लिखना है youtube.com। youtube.com की वेबसाइट को आपको सर्च करना है। यहाँ पर मैं YouTube की वेबसाइट पर आ गया हूँ। हो सकता है कि आप YouTube की वेबसाइट पर ना आएँ और YouTube के एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट हो जाएँ। अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं तो आप YouTube पर सर्च करना YouTube रीडायरेक्शन कल्पेश गर्ग। जैसा ही आप सर्च करेंगे मेरा वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को आप देख लेना और देखने के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि जब तक आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे आप सीधे YouTube के ऐप में चले जाएंगे और आपका ये वाला काम हो नहीं पाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड में तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट जो है उसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट रिक्वेस्ट करते हैं, आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में जिस तरह की वेबसाइट खुलती है वैसे ही यहाँ पर खुल जाएगी। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगो के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पर YouTube स्टूडियो लिखा हुआ है उसके ऊपर हम चले जाएंगे। जैसे ही आप YouTube स्टूडियो में जाएंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है हाल ही के सदस्य, आपके लिखे होंगे रिसेंट सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर मेरी हिंदी की लैंग्वेज है, यहाँ पर हाल ही के सदस्य दिखाई दे रहा है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो आपको रिसेंट सब्सक्राइबर दिखाई देगा। यहाँ पर आप पूरी सूची देखें, ऑल सब्सक्राइबर लिखा होगा उसके ऊपर आप टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपके सारे सब्सक्राइबर की लिस्ट आ जाएगी और किसने किस तारीख को सब्सक्राइब किया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 11 नवंबर को ये मेरा सब्सक्राइबर है, 18 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और ये सारी इधर सब्सक्राइबर की लिस्ट है। यहाँ पर मुझे 10 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 10 की जगह अगर आप 50 कर लेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी। ये मेरा जो चैनल है वो इतना एक्टिव नहीं है इसलिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइबर कम दिखाई दे रहे हैं। मेरा जो ओरिजिनल चैनल है जिस पर मैंने ये वीडियो डाला है उस पर सब्सक्राइबर बहुत आते हैं तो वहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट दिखाई देगी। चलिए मैं आपको उस चैनल पर ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है और यहाँ पर हम सी ऑल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नीचे 10 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं 50 कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 50 करूँगा ये जो लिस्ट है 10 की जगह 50 की हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है और किसने कब सब्सक्राइब किया है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कौन कौन से हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका YouTube से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।